तो पता नहीं अब हम लोग का विदाई हो रहा है, मतलब कब्जा होगा गया है और हो गया है, अभी कब्जा होगा लड़कियों का। देख रहे हैं भाई सफाई चल रहा है यहाँ पे, अब थोड़ा बहुत सब बच्चे ने अपना अपना रूम साफ कर लिया, बस ये बचा हुआ है, ये 8 बचा हुआ है, देख रहे हैं ना। तो अब सभी बच्चे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, बस ये नीचे वाला बचा है। सब हेलो एवरीवन, टुडे आई एम सौरभ पॉल एंड सौरभ इन द स्टडी। टुडे वी आर क्लीनिंग और नीटिंग आवर rooms or floors which are allotted by our principal or teacher. It is on. Hello everyone, respected. Today I'm Saurabh Kohli and Saurabh Kohli is studying. We are cleaning our rooms and flats which are allotted by our principals and teachers. We are second time cleaning our hostels. It is three duties. Because only boys clean the rooms and girls live in. It's only boys clean the rooms and hostels and girls live in. It's not good for us. And so we have girls and boys are equal. So I request to every girls and our principals to please girls come with us and clean along with clean the room. Why? Both are equal. If we can read together, eat together, live together, then why we not clean along with
I have cleaned already one room, and I have left. I have given him. Please come back. अभी जा रहे हैं दोनों। और यहाँ पे देखिए एक मतलब डोरीमोन पता नहीं क्या लेके जा रहा है। हाँ एंटीना डोरीमोन। और एक यहाँ रहा अजीत आजाद के साथ जाते हुए। बहुत ही अच्छा रिलेशन है, रिलेशन देख रहा है ना दोनों का, इतना कॉम्बिनेशन चलता है यहाँ पे। देखिए चेहरे पे क्या नूर है, मार रही है स्माइल। बस हम लोग सेवा करते हैं, हम लोग दोनों रूम साफ करवाए क्या दोस्तों को भी। और रहता कौन है इसमें लड़की भाई कुछ, हम लोग का भी इस पर चार चावन से लड़कियों को साफ करवाया जाए। भाई वहाँ से अच्छा ही हॉस्टल है, देख रहे हैं बहुत ही अच्छा है। कोई बैठने की जरूरत नहीं, कुर्सी की जरूरत नहीं है, बाथरूम सब प्लस बफर पार्टी, जिनको बैठना हो बैठ कर खाएंगे, जिनको खराब जैसा सूटेबल है। देखो देखो और ये हमारे कहाँ है बोलिए, क्रिस्ट।
खाते रहिए ब्लॉग में आते भाई पिलाते देगी ब्लॉग में मेरा तीन चार घंटे भाई का तो चल लियो थैंक यू सोच रहे इसका पड़ा पूरा साफ कर देते हैं चलिए हम कर लेते हैं बाकी अभी बहुत सब लगे हुए हैं सब लोग देख सकते हैं अभी सफाई बाकी है मतलब बहुत आप लोग देख रहे हैं हमारे सीआरजी साफ कर रहे हैं अब इनके सीनियर दीदी लोग इसमें आके रहेगी इनके लिए सफाई थोड़ा कर देते हैं समझ रहे हैं ना तो हमारे देख रहे हैं ये हमारे दीपांशु जी हैं ये साफ कर रहे हैं अब जो अपना रूम छोड़ेंगे उसमें इनके सीनियर दीदी जितने हैं सब उसमें रहेगी तो इस खुशी है देख रहे हैं थोड़ा बहुत सफाई कर रहे हैं ये ये। गोविंदा जी अरे हमारे बबलू सर हैं तो बबलू सर ये बताइए आप जो वो हॉस्टल छोड़िएगा अपने दीदी के लिए तो वहाँ लोग अच्छे से रह पाएंगे ना हाँ वो तो पूरा अच्छे से रहेंगे लोग वहाँ पे क्या दुआ करेंगे तो और यहाँ पे तो यहाँ पे तो अभी आए हैं उनका उनका सफाई किया है पूरा सफाई करवा दिए सब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग का CMI का अपना जो रियल में जो हॉस्टल था उस रूम में शिफ्ट हो रहा है और यहाँ पे पीछे एक जैसे कि हम लोग का देने के कारण है कि यहाँ पर किसी प्रकार का PMI में फैसिलिटी नहीं है या जो भी हम लोग इसे बाथरूम भी करना होगा रूम भी करना होगा ग्राउंड ग्राउंड से जितना भी सब सारा चीज हम लोग को ही करना है मतलब सरकार के द्वारा अवेलेबल नहीं कराया गया है PMI में उतना मतलब फैसिलिटी अभी नहीं दिया गया है जो है सो अभी लोग करना पड़ता है अभी हमें अच्छा सा ट्यूटर मिला है अच्छा सा टीचर मिला है वही दो तीन टीचर है बाकी सब साफ सफाई हम लोग अपने से करते हैं अभी हम लोग अपना अपना रूम शिफ्ट कर लिया है साफ सफाई कर लिए अब जस्ट 5 मिनट बाद शिफ्ट करेंगे इसके बाद फिर बाथरूम टॉयलेट सब जितना भी है उस हम लोग को ही करना पड़ेगा मगर हम लोग हालांकि अभी छुट्टी मिलने जा रही है ना यहाँ से शिफ्ट करके रूम शिफ्ट करके छुट्टी मिलेगा कुछ दिन बाद आएंगे तो बाथरूम का भी साफ सफाई किया जाएगा और ये है बिहार का PMI का हाल देखिए ये PMI देख लीजिए मतलब अजीब हो गई तो मेरी ये बात और देख रहे हैं दोस्तों शर्मा रहे हैं देख रहे हैं ना केवल नाश्ता बांटने में मारा की जिंदा ये चिड़िया की बच्चा है
सफाई तो हो गया है, बहुत मैं टायर्ड हो चुका हूँ। और थैंक यू आवर सीनियर सिस्टर्स गिविंग अस फॉर अ लॉन्ग टाइम इन योर हॉस्टल, वी स्पेंड सो मच टाइम। तो ये हम लोगों के लिए मतलब अभी दुख का भी बात है और थोड़ा खुशी भी हुआ कि आप लोगों ने हम लोग को इतने दिन रहने दिए अपने हॉस्टल में। तो आप लोग भी सफाई करते तो अच्छा रहता। तो ठीक है, आप लोगों ने रहने का हमें दिया मौका आप लोगों ने, तो लिया ठीक है, थैंक यू। तो मैस में भी कभी आप लोग आगे खा सकते हैं, अगर मैस है तो यहाँ पर मैस है आप भी खा सकते, कोई दिक्कत नहीं हो, हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीनियर्स आर ऑलवेज सीनियर्स एंड रिस्पेक्टेड। तो सीनियर्स ही तो हैं जो हम लोग को काम आते हैं, यहाँ तक मेडिसिन वार्ड में भी, हॉस्पिटल में भी वो लोग काम आते हैं, हम लोग कुछ गाइडलाइन करते हैं। तो सीनियर से हमें कोई शिकायत नहीं है हमारे जो सिस्टर से, आपका हॉस्टल था आप लोगों ने ले लिया, कोई दिक्कत जो देख रहे हैं साइड में कभी भी सफाई देख लीजिए चल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं इसे बायस कहा जाएगा क्योंकि हम लोग ही साफ करके आप लोग को हॉस्टल देते हैं, हम लोग को भी थोड़ा आप लोग हेल्प कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। सफाई देख रहे हैं अभी भी चल रहा है बहुत देर, मतलब 3-4 घंटा तक हम लोग सफाई किए। तो कुछ सीनियर्स सिस्टर्स ने हमारे प्रेशर डाला हुआ था सर पे शायद कि आप हॉस्टल कब खाली करवा रहे हैं कब, तो सर की इसी वजह से खाली करवा दिए। तो लगता है तो आपने देखा कि हमारे विकास जी आ गए हैं, अब अपना पूरा मतलब मेडिकल ला रहे हैं ना, जो देख रहे सभी बच्चे आ रहे हैं। और ये रहे हमारे मनीष जी रहे आ रहे हैं, आपका स्वागत है मनीष जी, वेलकम बैक इन योर न्यू होम इन इन योर रूम। मतलब मनीष जी बहुत ही अच्छे आदमी है, कुछ हम लोग को ज़्यादा ही ख्याल रखते हैं। ये हमारे सर जाते हुए और ये हमारे सुमन सर और यहाँ मैं राजवीर जी जाते हुए अपने रूम को छोड़ते हुए और ये हमारे किंग साहब आ रहे हैं, चलिए अपने आश्रम में चलिए भाई, हॉस्टल को खाली कर रहे हैं, अब छुटकारा मिल रहा है थोड़ा बहुत। आप देख रहे हैं कि अखिलेश जी मेरा रूम को खाली कर रहे हैं, ठीक है जाइए। तो ये लोग जा रहे हैं सेकेंड रूम में, सुमन सुमन झा सर। ये रहा CBSE बोर्ड, और जी गोविंदा जी आप सफाई कर रहे हैं, थोड़ा इधर देख लीजिए एक बार, हमारे हमारे गोविंदा जी। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड, लाइक एंड सब्सक्राइब करो तो सब कोई मत फ्री। हम लोग नए हॉस्टल में अपने हॉस्टल में शिफ्ट हो गए हैं लोग। PMI के संस्थापक से निवेदन है कि आप लोग सफाई करने PMI में जाएं, बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफें हो रही हैं इससे। सीआर जी इधर देखिए, आप कुछ सफाई भाई बहुत कर दिए, कुछ आपको कहना चाहेंगे? कहेंगे तुम क्या कही, बर्बाद हो रहा तो बर्बाद कर लेते हैं। अच्छा बहुत गुस्सा।
विकास जी ये देख रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। जो सीट है और हमारे ये सीआर वही यहाँ देख रहे हैं ना, मतलब सफाई में इनका एक नंबर हाथ रहता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक मतलब बच्चा कोई खड़ा हुआ है और वो अपना बैग पता बैग देखा कार्टून है भाई, कार्टून लेकर वो बच्चा खड़ा हुआ है और बोल रहा है कि अपना मतलब उसमें कॉपी ओपी रखा है, समझ रहे ना। आज मतलब हम लोग 2 बजे तक ले खाली कर देंगे, छुटकारा पाएंगे, जस्ट गेट रीड ऑफ आवर सीनियर सिस्टर्स। उन लोग का ये हॉस्टल है आप देख सकते हैं यहाँ पे।